जनपद के दौलतपुर में ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 155 पर ईवीएम खराब हुई। पिछले एक घंटे से ईवीएम खराब है और जिसकी वजह से मतदान रुका हुआ है, मतदान नहीं हो पा रहा है, वोटिंग नहीं हो पा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बागपत के दौलतपुर में ईवीएम खराब हुई है। तो ईवीएम खराब होने की वजह से एक घंटे से मतदान रुका हुआ है और बागपत के दौलतपुर में ईवीएम तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बागपत में कौन कौन उम्मीदवार हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आरएलडी से सांझा प्रत्याशी हैं एनडीए के राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। बागपत में क्या समीकरण है, कौन कौन से चुनावी चेहरे हैं वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। वो मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही थी लॉन्ग वीकेंड है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, एक बार मैं चाहूंगी कि लोग दिखाएं कि देखिए अभी वोट करके आए हैं, सीधा बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं। आप बताइए अपने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट। मैंने जो है सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के लिए ही वोट किया है, तो देश के बिना कुछ नहीं है। चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, वोट देती मोदी जी और कुछ नहीं। अच्छा, आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है? मैंने तो देश हित में जवानों यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये भी माना जा रहा है पार्किंग का है, बहुत सारी चीजों का है, सुरक्षा का है, अतिक्रमण का है, तो किन सारी चीजों को ध्यान में रखा है? देखिए, गाजियाबाद में तो ये सब प्रॉब्लम है, अतिक्रमण की और मतलब लूट की, मार की, सब चीजों की। यहाँ पर यूथ भी जो है वो वोट दे रहे हैं, पर वहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? कोई वहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहली बार? बिल्कुल, जो आपके फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं नहीं नहीं, मैं डाल चुकी हूँ पहले। तो किन चीजों को ध्यान में, देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, किन चीजों को ध्यान में रख के वोट किया, क्योंकि पहला वोट जब डालने जाते हैं बहुत कुछ दिमाग में होता है। नहीं, मेनली तो इंडिया का विकास, डेवलपमेंट और मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज मैं यूएस में रहता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, एंड सो उसको ध्यान में। क्या मंदीप, यहाँ पर हमारे साथ यूथ भी है, उनसे जानेंगे किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया। मेनली तो ये कि सही पर्सन को वोट जाए, सही पर्सन को वोट जाना। देखिए अमनदीप, आप देख रही थी लोगों का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। परा नीलू बोल रही हूँ और ये बताइए जरा, ये बताइए परा वहाँ पर कि पिछली बार हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि चुनाव। चलिए आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहाँ से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अलीगढ़ की जनता के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि वो अपने पक्ष में वोटर्स को ला सके। अब आज कितने बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ताला और तालीम का शहर है अलीगढ़, और यहाँ की जनता किसे जीत की चाबी सौंपती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस चाबी के लिए आज वोटिंग शुरू कर दी। आप देख लिए, संत फितलिस कॉलेज है जहाँ पे लगातार वोटरों का आना जाना जारी है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं लगातार वोटिंग कर रही हैं, और हम इनसे बात करने भी कोशिश करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पर आप वोटिंग कर रहे हैं? देश के विकास के लिए। देश के विकास के, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आप देखिए, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे ये, और विकास के नाम पे भी वोट हो रहा है। आप वोट कास्ट कर रहे हैं? देश के विकास के नाम के वोट हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? नीतू अग्रवाल। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा का है।